भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। एक झंडा का भाव जो है पर पीस 5 रुपए भाई साहब। एक 5 रुपए कुछ है? हाँ 5 रुपए कोई। माने कता लिया? दो 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 ले ले। चार दे दियो। चार ले लो भाई साहब। किशोर और का ले लो। ओए चीज भी लेंगे ना। चीज का ले लो तो। ओए चीज ले लो, आम पाचक ले ले दो। तो नहीं सड़ा इंगोली ले ले, इंगोली बढ़िया हो जाए। ओए तेरे ले ले ले, मेरे लिए तो आम पाचक दो मेरे को। चुको एक इंगोली तोड़। और का ले यार। किशोर सुन एक गोला ले ले कहीं। ओए गोले। अरे गोला ये ले ले भाई साहब, खट्टा मीठा बहुत बढ़िया। नहीं भाई साहब बे चोका कौन है ते बाड़ा बना रहे जो हैं बिके कौन माल जना मान दे रहे जो देख का साग है चालाक पड़े जे दिमाग लगा रही है दिमाग लगाओ जे अच्छा तीन का कोला दे दियो ना। हां तीन का कोला ले दियो। एक रुपया को एक चाहिए? एक रुपया को एक दे दियो। किशोरी चुटकी छुपा ले लेंगे। ओ चुटकी छुपा ले लेंगे, मास्टर मारेगा। ओ यार पकड़ ले गड़े। चलो भाई साहब आगे बता दे तो मन करता है ना। हां भाई साहब 20-23 रुपए होगा भाई साहब। 23 रुपए किशोर दे दे भाई। ओए आज डोकरी के पास मचका के लाया था बटुए में निकाल के। सोना बटुआ में सुई। हाँ सही से कोई दिक्कत कौन यार बैठो जे तो। नहीं मेरे को मारते हैं फिर ध्यान चलेगा ना, फिर मारेगा सूतेगा मेरे को। वही आ गई। हाँ और कोटा भगवान के दिया तन दो लट एक्स्ट्रा दे। ओए तो चीज तो आ रहा हूँ भाई साहब दे दे, लेट होगा भाई साहब। लो भाई साहब टेम होगा मेरे मेरे को दे। सुन एक खुला तो मन दे देते यार। नहीं मेरे खुल। अरे तो दे लीजिए तो यार, मैं डेमो दे बजाने तो मार कर मेरे ना जाए जी। चल ठीक है मैं मांगता हूँ उधार। ठीक है भाई साहब। मैडम रेडी है क्या लिस्ट बच्चों की? हाँ सर बिल्कुल रेडी है। कितने बच्चों ने लिया है भाग? 10 बच्चों ने लिया है सर। ये तो ठीक है लेकिन बच्चों की रेडी तो है ना वो? हाँ सर बिल्कुल, आप उस चीज की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप तो बाकी व्यवस्थाओं देखो, ये तो मैं देख लूंगी। देखो मैडम मेरे को कुछ नहीं पता है, प्रोग्राम एक नंबर होना चाहिए। आज बाहर से एमएलए साहब भी आएंगे तो उनके सामने हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए, इस चीज का आप ध्यान रखना। बिल्कुल सर आप इस चीज के बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रोग्राम एक ही नंबर होगा अपना। हाँ तो मैडम एक ही नंबर प्रोग्राम होना चाहिए, नहीं फिर देख लेना फिर। बिल्कुल सर आप टेंशन मत लो। ये ठीक है ये संभालो, मैं उस चूल्हे से देखता हूँ ये डीजे वीजे सेट किया है कि नहीं। ठीक है सर। 9 बज गई, ये बच्चे नहीं आए अभी तक पूरे। मुन्नी की मासी का ब्याह में बैठ के मुन्नी रांजर खा गई टनर मन है। आज के बाद में मुन्नी की बात कर लियो ना मारकन तो बस बैठे पट्टो साहब से तो लुगाई जो मारी ना कर सकोगे? लुगाई ब्याह थोड़ी कर लियो तू यार। करियो कौन पर उस्ताद करूला और आका तीज नहीं करूला अब काले। चुप रह तू कर लीजिए। ओए तू अरे लगाई नहीं लगा लेट होगा यार, बार में मार साहब आ जाए यार। बत्ती बुझ बुझ कर लगी। बड़े चेक करा वे बाड़े ने। ये कैसे कोपले हम बढ़ लो उस्ताद जी ने? इम बाड़े इम ले उस्ताद जी। सही जे? हो गया कि चूल्हे डीजे सेट? अरे सर हो गया, कोई टिकट नहीं, अभी 2 मिनट लगेगी। अरे 2 मिनट क्या होगी, 9 बज गए, जल्दी करो यार इसे। हो गया हो गया। और तू ये बीड़ी क्या पी रहा, आराम करो स्कूल के अंदर। सर आज आप मुझे कुछ नहीं बोलोगे? मैं स्कूल में नहीं आया हूँ, मेरा सामान लेके आया हूँ। और तू स्कूल में तो आए, ये बच्चे तो जानते हैं ना वो बिगड़ जाएंगे, रख दे बेटा। अरे कोई टिकट नहीं सर। अरे समझा कर बेटा रख दे। टोको रे यार सुनो, बिजली कट सू लगानी चाहिए। अरे वो उधर मीटर में लगा लेना अपने पीछे। मीटर में? हाँ मीटर में नहीं, ऊपर खम्भा में टांग देने। पागल है क्या, चोरी वोरी करेंगे क्या, कोई जैन वैन आ गया पकड़ लेगा? अरे सर मेरे से बड़ा जैन कौन है, आप नो टेंशन रहो, हम खम्भे में टांगेंगे सीधा। चलो फिर टांग लेना। हाँ ठीक है, टांगे रे टांगे ले जा। अरे बीच डोरी टांगे चल, तू काय कर रही है? चलाना आता है ना आपको? अरे झगड़ो मत, अरे काम को कर लो यार बेटा, काम बिगाड़ो मत। लगवा रहा बिल्कुल। सर आप नो टेंशन रहो, 2 मिनट में चालू कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल अच्छे से प्रोग्राम करा देना बेटा। एक नंबर लो आप। पक्की? ठीक है चल मैं चलता हूँ फिर। ठीक जाओ लगा दे, काय कर रहे हो? देस रंगीला रंगीला देस मेरा रंगीला। किशोर सड़ा पा तो लेट होगा दिखे जा। ओए लेट तूने कराया? ओए ओ मकाम करा दिए यार। ओए तूने तो कराया था, ये झंडे ले रहा है चीज ले रहा है, उसके पास मेरे पैसे और उठा दिया। यार अल्लाह सड़ा सर रोड़ा गल्ला पान किया जा भाई, सारी व्यवस्था कर दीजिए, आधी व्यवस्था तो खुद ही कर दिया। ओए मेरे को कुछ नहीं पता, ओए तेरे को करेंगे, मैं तो साइड में चला जाऊंगा। आ जा नीचे खुद ही कर रहा अपने तो। अरे नीचे गुद्दी देके किधर जा रहे हो, रुको। सड़क किशोर गया काम से। सर क्या 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 टाइम क्या हो रहा है? सर टाइम तो गया पूरा ही। पूरा ही हो गया, कल कितने बजे बुलाया था मैं तुम्हारे को? सर मेरे हिसाब से 9 बजे बुलाए थे आप। 9 बजे बुलाए थे? लगाओ क्या एक खींच के, बाकी लड़कों को बुलाया था 9 बजे, तुम्हारे को 9 बजे बुलाया था, तुम्हारे को 8 बजे नहीं बुलाया था। सर मैं विद्या की सुगंध सही कर रहा हूँ, किशोरी की वजह से लेट हुई है भाई, बाप की सुगंध आ ली यार। अरे
कैसे लेट आए हो? कल क्या बोला था तुम्हारे को? अरे कल क्या बोला था तुम्हारे को? अरे तुम्हारे से जब जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है तो तुम लेते क्यों? सर सर मैं सही बता रहा हूँ, किस और की वजह से लेट हुए हैं? शोर की वजह से लेट हुए हैं और उसकी वजह से लेट हुए हैं। सर ये खुद मेरे को दुकान में ले गया और कह रहा भाई इंगोले ले लेते हैं, झंडे ले लेते हैं और वो तीन कोड़े भी लिए थे हमें चूरन के। चूरन खा लो, इंगोलिया खा लो। तुम्हारे से अच्छा वो चूल्हे है जो यहाँ पर आ गया, पूरा डीजे सेट कर दिया उसने आके। अरे यार किशोर देखे चूल्हे डीजे ले आई यार। सर सर एक बात सुनो, लाडू ले आए गए? लाडू कहाँ से लिए? यहाँ पर पूरा व्यवस्था तो हुई नहीं, इनको लाडू चाहिए पहले तो। ओए हम लेके जाएंगे लाडू घर पे। आज सर जीजी मंगाई है। तुम्हारे को पहले दे दूं क्या लाडू? उधर चल के पहले व्यवस्था ही कर लो, फोटुआ वोटुआ कुर्सी कुर्सी कुछ नहीं लगी है उधर। सर वो तो अभी हम कर देते हैं, चलो जल्दी करो उन्हें। आ जा किशोर। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 ओ आज रंग दे ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। अरे पानी का दे। अरे हराम करो बैठ के गए। वो सर सर मैं काम सही कर दिया, पूरा काम सही कर दिया, हो गया पूरा सेट। यस सर। मैडम आप भी क्या फोन में लग जाते हो, इसे अंदर रख लो, पहले वो बच्चों को इकट्ठा करो, टाइम हो गया, 9:30 हो गया। ठीक है सर। तुम भी इधर आ जाओ, सामने हो। अरे चूल्हा इसे चला यार, ये माउथ पीस नहीं चल रहा है। अरे सर चल गई, देखो एक सेकंड, अब देखो। हाँ ठीक है। हेलो 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 मैम। हेलो सभी बच्चे लाइन में आ जाओ, ये जो गेट के बाहर है वो सारे बच्चे भी अंदर आ जाओ, लाइन बनानी है पहले खड़े हो सब, बैठना नहीं है किसी को भी। एक एक हाथ का फासला लाइन में खड़े हो, सबको एक एक हाथ का फासला लेके खड़ा होना है इस दरी के पीछे से, ठीक है? ये इधर से लाइन सीधी करो, आप लोग थोड़ा इधर हो ना। मैडम मेरे को देखो। अरे सभी बच्चे अपनी अपनी लाइन सीधी कर लो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? एक एक हाथ का फासला लो। अरे ढंग से ले लो, ढंग से, बहुत जगह पड़ी है, पीछे तक जाओ, लाइनें सीधी होनी चाहिए, अगले की गर्दन नहीं दिखनी चाहिए, अपने से तीसरे की गर्दन नहीं दिखनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अरे मैडम एक बात करो, सीधी करो। अरे इधर हो, लाइनें सीधी करो। अरे तू आगे चलना, यहाँ पर लग, कौन दांत निकाल है, चुपचाप लग जाओ, दांत निकाल रहे, एक तो लेट करा दिया, सीधी करो लाइन, मैम करो। एक साथ सभी बच्चे सावधान होंगे, सावधान, बेस्ट काम। अरे जोर से उठा के मारो, मेरे खाना नहीं क्या है क्या? सावधान, विश्राम। तू क्या यहाँ पर नेता बन रहा है, तू भी लगना जाके लाइन में। सर वो तो मैं मैनेजमेंट वाला हूँ ना। मैनेजमेंट बाद में कर लेना, अभी तो लाइन में लग। सर सर मैं अलग दिखूंगा यहाँ पे। तू लग जा, अभी तेरे को अलग दिखा देता हूँ। एक साथ सावधान हो गए, सावधान, विश्राम, सावधान, भारत माता की, वंदे वंदे। जोर से बोलो, जोर से, जोश कहाँ निकल गया तुम्हारा, जोश दिखाओ। भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। तो एक साथ सभी बच्चे विश्राम हो गए, विश्राम, सावधान। तो आज तो बच्चों आप सभी को पता है आज यहाँ पर हम किस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं, आज हम किस चीज का महोत्सव मना रहे हैं, आप सभी को पता है आज है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को पता है कि इस दिन क्या हुआ था, आपकी मैम सामाजिक विज्ञान पढ़ाती है, इन्होंने भी आपको बताया होगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, और इसके बारे में ज्यादा आपको आपकी मैम ही बताएगी, बताइए। तो बच्चों जो हमारे देश का संविधान है उसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ये बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, और ये लागू हुआ था
26 जनवरी 1950 में और आज हम इसी उपलक्ष में 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है सर। तो बच्चों मैम ने बताया कि हमारे देश पर संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और पिछले 75 वर्षों में हमारे देश ने अनेक ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन यह ऊंचाइयां क्या काफी है? मैं आपसे पूछता हूं। नहीं बच्चों, अभी तक ये काफी नहीं है, और ऊंचाइयां छूनी है अभी तुम्हें। तो ये कौन करके दिखाएगा? आप लोग, क्योंकि आप ही हो इस देश का भविष्य। तो आपके अंदर जोश होना बहुत जरूरी है। तो इसी जोश के साथ एक बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। तो आप सभी बच्चे बिना लाइनों को बिगाड़े हुए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। सभी बच्चे एक साथ बैठ जाओ। लाइनें नहीं बिगड़नी चाहिए, ये हाथ का फासला भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ तो बच्चों, हम सबको व्यवस्थाएं बनाकर रखना है, कोई भी व्यवस्थाओं को नहीं बिगाड़ेगा। जहां पर बैठे हो वहीं पर बैठे रहना है, अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह पर बिल्कुल नहीं जाना है। और कोई व्यवस्था बिगाड़ता मेरे को पाया गया तो फिर मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा, आपको पता ही है फिर मैं कैसा हूं। तो हमें व्यवस्थाएं बनाकर रखना है, क्योंकि आज हमारे विद्यालय के अंदर हमारी विधानसभा के एमएलए साहब खुद पधारेंगे, तो उनको हमारे अनुशासन दिखाना है, हमारे स्कूल का अनुशासन कैसा है ये एमएलए साहब को दिखना चाहिए। समझ गए हो ना? उम्मीद आप सब समझ गए होंगे। और इसी बीच हमारे एमएलए साहब भी पधार चुके हैं, तो जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। आन है मान है, एमएलए साहब आप हमारे विद्यालय में पधारे, आपका तहे दिल से स्वागत है। तो बच्चों तालियों की गड़गड़ाहट यूं ही बनी रहनी चाहिए, जोरदार ताली हो जाए एमएलए साहब के लिए। अब मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगी कि वो माल्यार्पण करके हमारे एमएलए साहब का वेलकम करें। जोरदार ताली हो जाए बच्चों। तो बच्चों तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार ताली हो जाए। अब बच्चों को राष्ट्रगान के लिए तैयार करो, काफी लेट हो चुके हैं, आप खड़े करो बच्चों। तो बच्चों अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए तो एमएलए साहब भी अब झंडारोहण के लिए प्रस्थान करें। आइए सर। तो सभी बच्चे अब खड़े हो जाइए, सीधी लाइन में जैसे बैठे थे वैसे के वैसे सीधे खड़े होना है सबको, किसी को भी लाइन खराब नहीं करनी है। तो सभी बच्चे एक साथ करेंगे सावधान विश्राम सावधान। अब नेशनल एंथम की पोजीशन में खड़े हो जाओ सारे। लाडो को तो मेले मेल दिया ना। लो सर, लो सर आओ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जया गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्राम करेंगे विश्राम। लाइए सर। सावधान विश्राम। अब सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएंगे, लाइन किसी को भी खराब नहीं करनी है, जैसे खड़े हुए थे वैसे ही बैठना है। तो सभी बच्चे एक साथ सावधान होंगे, सावधान विश्राम। सभी बच्चों को लाइन में बने रहना है, कोई भी लाइन को बिगाड़ेगा नहीं, ठीक है। अब हम कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। तो कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के लेकर आएंगे आपके लिए 9th क्लास के दिनेश और पंकज। तेरा जलवा जलवा चूल्हा चला दे। तो जोरदार तालियां बजाकर बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे। तो प्लीज वेलकम पंकज एंड दिनेश, आइए। तो हमारे बीच पंकज तो पधारे नहीं है, दिनेश आए हैं, पंकज तो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। तो बच्चे के लिए जोरदार तालियां।
तो बच्चे का बहुत ही शानदार प्रोग्राम, बच्चे के लिए तालियां बजाएंगे। अरे मुसर ऐसे क्या कूद रहा था, ये कोई प्रोग्राम है? जावेद बच्चे के लिए जोरदार तालियां। मैडम ये क्या तैयारी करवाई है, ये करवाई है, यहाँ पर कूद रहे हैं ये एमएलए साहब और देख रहे हैं। बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है, बच्चे के लिए तालियां होनी चाहिए। सर खाटा हो गया। अरे तो खाटा तो गया, बच्चे की बॉडी देख थोड़ी, तेरी तरह थोड़ी है। तो अगला प्रोग्राम लेकर आएंगे आपके लिए राधा तेरी चुनरी, और वो लेकर आएंगे भूलिया। अरे बेटा जल्दी तैयार हो गया, बच्चे के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही शानदार प्रोग्राम करके दिखाएंगे, मेरे को पता है पिछली बार भी इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया था, तो बच्चे के लिए पहले ही एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियों में यार दम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम, और तालियां वही बजाते हैं मेरे यारों जिनकी बाजुओं में वो दम। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बच्चा हमारे बीच सजा चुके हैं तो चूल्हा चला दे। तेरी का राज बता क्यों मारा खून उबाला रे। बंद करो पत मैं फेर तेरा। अरे ठाको माटो खराब से गई यार, जो चला रही है मैं ताला लगा बदमाशी लेके ना यार। अरे ओ पानीपत में फेर मत करा इसका, वो क्या राधा तेरी चुनरी है वो लगा यार, क्या लगा रहा है, बच्चे को बदमाशी सिखा रहा है, लगा लगा तो कोई बात नहीं, बच्चे के लिए फिर भी चला रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चे के लिए। बजाओ बजाओ। जाइए तो बच्चे के लिए एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए, क्या परफॉर्मेंस दी है बच्चे ने, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे यार तुम्हारे बाजू में दम नहीं है क्या, क्या परफॉर्मेंस दी है इसके बावजूद भी तुम तालियां नहीं बजा रहे हो। तो अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे किशोर एंड पार्टी, गद्दर एक प्रेम कहानी के ऊपर नाटक है, तो इनके लिए भी एक जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार, इनको टाइम लगेगा थोड़ी। लेकिन इसी दौरान हमारे बीच गांव के वरिष्ठ नागरिक भी पधार चुके हैं आनंदीय जी, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि भुला कर हम सारे जीवन के गम, आपका करते हैं मोस्ट वेलकम। आपकी बार ये आपके लिए लड्डू लेकर नहीं आए, क्योंकि आपकी बार ये आपकी स्कूल के अंदर आपके लिए पानी की टंकियां बनाएंगे। अजी बार साहब कहीं घिरे दो, पानी की टंकियां बनाओगे ना बच्चों के लिए? पानी की टंकियां तुम्हारे घर आएगी ना, तो मैं वार्ड बंद बन जाऊंगा तो मैं समृद्ध जी बजाऊंग लाल। तो आनंद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, इन्होंने आपके लिए एक जीवने की घोषणा कर दी है, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो अब मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे होने वाले वार्डपन साहब का माल्यार्पण करिए, उनका स्वागत करें, जोरदार ताली हो जाए वार्डपन साहब के लिए। तालियों में कंजूसी मत करो बच्चों, तालियां बहुत जोर से बजाओ, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोर कम पड़ने आनी चाहिए। और हमारे बच्चे भी तैयार है प्रोग्राम करने के लिए, वो भी स्टेज पर आ जाए एक बार, पहले ही इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक नाटक के द्वारा आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, तो जोरदार तालियां। और चल सबको मेरे साथ चल। नहीं अरे ओए कान लेके जा रहा है इसको, इसको ले जाने से पहले तुझे एक नारा बोलना पड़ेगा, बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। ओए वैसे बोलता तो नहीं, लेकिन मैं मेरी सबको के लिए बोल रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ओ चल सबको मेरे साथ चल। नहीं तारू मैं नहीं जा सकती। ओए क्यों नहीं जा सकती? ओए डोगरी के मन में आती है ना। ओए ऐसे मत कर यार, प्यार करते है ना मेरे से? प्यार मैं डोगरी से भी करती हूँ, तेरे से भी करती हूँ। ठीक है फिर डोगरी के पास रह जा। नहीं तारू, तारा बना के रही मैं। ठीक है तू फिर आ जा। तो नहीं ओए क्या कर रही है मेरे साथ चल डोगरा। अबे मेरे साथ आ जा डोगरा। अरे ले जा रे यार तू। जे बहुत बार मैं अरे बाजी ने सुता है इधर से। इस रंगीला
बच्चों का बहुत ही शानदार प्रोग्राम, तो बच्चे बताएंगे प्रोग्राम से क्या सीखने को मिलेगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा सच्चे प्यार की जीत होती है। सेटिंगें बढ़ाओ और ब्याह करो। और इस क्लो में कुछ नहीं, बच्चों की लाश वाली बात पे ध्यान नहीं दे रहे, वैसे करें ताली बजाओ बच्चों के लिए। क्या प्रोग्राम किया, प्रोग्राम पे तो ध्यान देते नहीं, ऐसी बात ध्यान देते हो। चलो जाओ क्लास के अंदर। तो अगला कार्यक्रम लेकर आएंगे किशोर, लेकिन मैं उससे पहले एमएलए साहब से अनुरोध करूंगा कि वो भी बच्चों को दो शब्द कह रहे मोटिवेट करें। प्लीज एमएलए साहब, जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, जो इज्जत जो सम्मान आप लोगों ने दिया उसको देख करके मेरी आत्मा गदगद हो गई। मैं आपका टिल्लू प्रधान आपके बीच में आया, आपने सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले अपन नारा लगाएंगे, वंदे वंदे। तो इस स्कूल में मैंने एक चीज नोटिस करी, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे इनके अंदर मुझे देखने को मिला डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन मैं चाहूंगा हर एक स्कूल में, हर एक घर में होना चाहिए। इस डिप्रेशन की वजह से स्कूलें चलेगी। एमएलए साहब, वो डिप्रेशन नहीं, डिसिप्लिन होता है। मैं भी बच्चों के अंदर रहके बच्चा हो गया, वो डिप्रेशन नहीं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका श्रेय जाता है दोनों गुरुजी को और उन मैडम को। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे जाने की अनुमति लेता हूं, और फिर आपसे किसी ना किसी प्रोग्राम में जरूर मिलूंगा। और मेरा वादा है जो भी कमियां हैं स्कूल की वो सारी पूरी करके जाऊंगा। धन्यवाद। तो बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब, आपने बच्चों को संबोधित किया, इनको कुछ ज्ञान की बातें दी। अब एमएलए साहब हमारे बीच से जा रहे हैं क्योंकि इनके पास टाइम की थोड़ी कमी है, तो एक बार इनके लिए फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे। और अगला कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं किशोर, तो जल्दी स्टेज पर आ जाए। गाना है इनका झलक दिखला जा। सूर्य भाई झलक दिखला जा लगा दो, तो बच्चे के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाए। कार्यक्रम हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हमारे पास इतने ही प्रोग्राम थे, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, तो एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आपने भी अनुशासन का परिचय दिया, इसके लिए आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो अब आपको लड्डू वितरण किए जाएंगे। फूले और किशोर रेडी हो जाइए, आप लड्डू लेकर आइए और बच्चों को वितरण कीजिए। सर 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 वो एक डांस रह गया। अब कौन सा डांस रह गया, सारे हो गए। ओ सर जरा चालाक बन रहे हो गए, ठाकुर मैडम को डांस थे किया जा। दोनों के डांस करो सर। अरे नहीं 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 सर, 10 रुपए इसकी तरफ से। अरे अच्छा नहीं लगता बेटा यार। नहीं सर 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 करो सर। अरे रुको रुको, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, साइलेंस करते हैं मैडम। ठीक है आ जाइए, चूल्हे चला दे वो उस्ताद। असला बेग रहे हो, असला बंदूक गाड़ो। अरे असला नहीं, अखियों से गोली मारे मर जाओ। जो मार साहब को फेवरेट गाना यार वो चला रहा, अखियों से गोली मारे।
बच्चों कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, तो फूले और किशोर जल्दी से जाए और बच्चों के लिए लड्डुओं की व्यवस्था करे। क्या बात हो गई? अरे मोड़ साहब ये कहा कि बच्चे ठुमका देना चाहते हैं। अरे तो नाचना था तो पहले बोलते ना, मैं आपका नाम भी लिख देता। गुरुजी को क्या ना, मेरे को शर्म आती है इसलिए मैं वहां नहीं नाचूंगा। अरे तो फिर कैसे नाचेगा फिर? मैं उसमें झुंड में नाचूंगा गुरुजी। नाचोगे? अरे इसको ना ले, मेरा मूड नहीं सर। मैं आप बताओ मैं नाचूंगा ना रूम में। अरे नाच लो, आइए आप सबका प्रोग्राम यार, नाचो नाचो नाचो। हां बॉस चलो ठीक है, चलो गुरुजी ये गाना चालू कर देना आप। ओके तुम जाओ। तो बच्चों अब नाचेगा चूल्हा डॉन। अगर कोई भी बीच के अंदर रोल टाई करा ना तो मैं स्टेज कर दूंगा, टाइम नहीं लगाऊंगा स्टेज करने में, ध्यान रखना इस बात का। अरे चलार को नाएगा ही, चाल को। अरे यार, अरे ठेक, अरे और ओए नेता, ओए चला का मेल दिला उठे। अरे अरे इंठाले अरे पे टकी बोला।